5 दिन के प्रयोग से 20 mm की पथरी भी बाहर निकल गई। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पथरी का ऐसा एक चमत्कारी इलाज के बारे में बताएंगे जो बहुत अधिक कारगर है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पथरी 3 कारणों से बनती है, वात से होने वाली पथरी, पित्त से होने वाली पथरी, कफ से होने वाली पथरी। दोस्तों पथरी चाहे किसी भी कारण से हुई हो आपको इसका समय पर इलाज करना चाहिए, नहीं तो आपको घातक इसके परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों इस पथरी के दर्द को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको यह दर्द कभी हुआ हो, क्योंकि इस पथरी के दर्द का अनुमान लगाना बहुत अधिक मुश्किल है, क्योंकि ये पथरी का दर्द बिल्कुल बेचैन कर देता है। दोस्तों इस पथरी के दर्द के लिए आप जब तक कोई दवाई या इंजेक्शन नहीं लेंगे तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा और ये बहुत तेज दर्द होता है। तो चलिए दोस्तों आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए बताते हैं नुस्खे के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 2 नुस्खे बताएंगे और दोनों ही बेहद कारगर हैं। आप दोनों में से किसी भी नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी इस पथरी को बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों इस नुस्खे के प्रयोग से 20 mm तक की पथरी भी बाहर निकल जाएगी और ये बेहद अधिक कारगर है। तो पहला नुस्खा, इसमें चाहिए आपको वरना की छाल, 1.5 तोले वरना की छाल का लेकर इसका काढ़ा बना लें और उस काढ़े में 2 तोले गुड़ मिलाकर पीने से पथरी गलकर बाहर निकल जाएगी यूरिन के रास्ते। कितनी भी बड़ी पथरी हो वो भी गलकर बाहर निकल जाएगी। और आपने जो वरना की छाल का काढ़ा बनाना है उसमें 2 गिलास पानी लेकर उसमें वरना की छाल मिलानी है और दोस्तों उस काढ़े उस पानी को तब तक उबालना है जब तक वो 1 गिलास न रह जाए। इस तरह आप वरना की छाल का काढ़ा बना लेंगे और फिर उसमें 2 तोले गुड़ मिलाइए। अब जानते हैं दूसरे नुस्खे के बारे में, कुल्थी की दाल। दोस्तों आपने क्या करना है, जितनी आप दाल खा सकते हैं उतनी कुल्थी की दाल लीजिए और रात को 1 कटोरे पानी में भिगोकर रख दीजिए और दोस्तों सुबह आप उस दाल को उबाल लीजिए उस पानी के साथ ही और उसमें आपने अपने स्वाद के लिए नमक मिर्च आप मिला सकते हैं और उसका आप सुबह खाली पेट सेवन कीजिए। दोस्तों दोनों में से कोई भी नुस्खा यदि आप 5 दिन आजमाएंगे तब कितनी भी बड़ी पथरी हो 20 mm तक की पथरी होगी वो भी बाहर निकल जाएगी। ये बेहद अधिक कारगर नुस्खा है और पथरी रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों तो दोस्तों देर किस बात की है, यदि आप भी पथरी की समस्या से परेशान है तो इस नुस्खे को आज ही अजमाइए और अपनी इस समस्या का समाधान कर दीजिए। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।